आई बड़ा रखे तो हाँ जी हाँ जी हर हर महादेव। आपसे वीडियो में देख रहे हैं कि यार ये सब चीज़ें रुको किस अवस्था में रहती हैं। ये सब चीज़ें एक साल के अंदर जब एक शादी होती है तो शादी के अंदर एक साल बाद ही मंदिर में या मंदिर में तो नहीं जाते पर इसको खोला जाता है। ये किस कंडीशन में रहती है एक साल के अंदर? ऐसी पवित्र चीज़ों को अपवित्र चीज़ों को जो है वो इन जो कल्प वृक्ष हैं इनको कल्प वृक्ष होता है जिनकी उम्र का ही पता नहीं है वहाँ पे बांध के अपनी मन्नत मांगने की कोशिश करते हैं। क्या वो मन्नत मांग रहे हैं या सजा दे रहे हैं? तो काइंडली रिक्वेस्ट है जो भी इस वीडियो को देख रहा है अगर आप ऐसी कहीं भी चीज़ें देखते हैं जो पेड़ों के साथ बंधी हैं उसे प्लीज़ जो है वो खोलने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ बैनर भी लगा हुआ है, यहाँ पे बैनर लगा है उसके बावजूद भी यहाँ पे ये फिर से ये किन अवस्थाओं में रही है एक साल तक उनको मंदिर में आके फेंक जा रहे हैं। कोशिश की है इनको हटाने की, तो आप लोगों को भी जहाँ पे मिले उसको अपना प्रयास करो इस चीज़ को बदलने का। ये बेवकूफ़ी अंधभक्ति हमारे धर्म और संस्कृति की हमारे धरोहरों की प्रकृति के ऊपर एक धब्बा है। कीप द नेचर क्लीन हर हर महादेव। यूँ मंदिर आके यूँ ना आओ मंदिर आए मंदिर आके गए मथा टेका फोटो खींचे और डाल दिए यार असली सेवा करने आ रहे हैं मंदिर में। ये ड्रामे जो है ना ये बंद करने चाहिए। हर हर महादेव।